So now coming to the next topic, which is periodic motion of a simple pendulum. अब एक simple जो pendulum, देखो pendulum आपने mostly देखा होगा clocks के अंदर जो wall clock होती है, उसमें एक pendulum होता है, उसको हम pendulum clocks बोलते हैं, जो कि अभी हम discuss भी कर रहे थे। अब यहाँ पे हम बात करें simple pendulum की, यहाँ clock की बात नहीं हो रही, pendulum की बात हो रही है। So सबसे पहले तो पढ़ते हैं ये pendulum होता क्या है। A simple pendulum contains a bob. Bob क्या होता है? This one, ये जो नीचे इसके पीस लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बॉल। It is a metallic ball or a stone which is suspended from a rigid stand. Rigid stand से इसको suspend किया है with the help of a thread. So एक thread की help से इस बॉब को stand से हमने लटकाया हुआ है। In short, अभी आप देख सकते हो, this is a pendulum. अभी जरूरी नहीं है कि clock के नीचे हो। Normally अगर आपने एक stand लिया, उस पे एक धागा बांधा, नीचे एक पत्थर बांध दिया, तो वो भी एक पेंडुलम बन गया। ओके, अब इस पेंडुलम का जो मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब उसके नेम्स क्या आएंगे, न्यू टर्म्स क्या आएंगी, तो एक एक करके हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज ऑक्सिलेटरी मोशन। अब ये ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है, लेट्स सी। The to and fro motion. So, ये to and fro movement, to and fro motion basically क्या होता है? जब कोई चीज इस तरह से मूव कर रही है, means it is going from here to here, from here to here. So, that is why it is called as to and fro movement, or we can say to and fro motion of the pendulum is called as auxiliary motion. जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे periodic motion की, अब यहाँ पे जब ये पेंडुलम इधर से लेके इधर तक मूव करता है, तो इस मोशन को नेम दिया जाता है ऑक्सिलेटरी मोशन। ओके, देन द बॉब ऑफ द पेंडुलम डज मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेंडुलम टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशंस ऑन द अदर साइड। अब ये मूवमेंट एक्सप्लेन करी है, जब आप लिखोगे, अगर आप एक्सप्लेन करो तो आपको ये लिखना आना चाहिए। क्या होता है मीन पोजीशन, मीन्स अगर ये यहां से टाइड अप है तो ये इसका सेंटर है, विच इज द मीन पोजीशन। यहां से इस एक्सट्रीम एंड तक जाएगा, देन इट विल गो टू दैट एक्सट्रीम एंड। सो इस तरह से इसकी मूवमेंट होगी। सो क्या हो रहा है, वो सेंटर से एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है। सो दैट इज द टू एंड फ्रो मूवमेंट, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑक्सिलेटरी मोशन। तो पेंडुलम का जो मोशन होता है वो ऑक्सिलेटरी मोशन होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑक्सिलेशन। अभी हमने जो पढ़ा दैट वाज ऑक्सिलेटरी मोशन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म ऑक्सिलेशन। अगेन इट्स वेरी सिंपल, व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम इट्स सेंटर टू इट्स एक्सट्रीम एज, इट इज सेट टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन। सो अभी हमने बात कर दी कि जो बॉब है वो कैसे मूव करता है, सेंटर से एक्सट्रीम एंड्स तक, राइट। अभी मूवमेंट सबको पता है भाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब वो यहां से लेट्स सपोज उसने बिगिन किया, यहां जाके इधर गया एंड वापस यहां तक आया, सो दैट इज वन फुल ऑक्सिलेशन। उसको हम बोलते हैं इट हैज कंप्लीटेड वन ऑक्सिलेशन। तो यूजली इट इज ऑफ 1 सेकेंड, इट टेक्स 1 सेकेंड टू कम्प्लीट वन ऑब्जर्वेशन, एंड देन 60 टाइम्स होगा तो क्लॉक में 1 मिनट आगे होता है, अगर हम पेंडुलम क्लॉक की बात करें तो। ओके, सो नाउ वील मूव टू दी लास्ट थिंग जो इस पेंडुलम से रिलेटेड, दैट इज दी टाइम पीरियड। सो नाउ वी हैव टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन बाय दी पेंडुलम बॉब टू कम्प्लीट वन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसमें वो एक ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करता है। जैसे मैंने भी आपको बताया, इट टेक्स 1 सेकेंड यूजली। अब अलग अलग वो आते हैं, सो हो सकता है 0.5 सेकेंड में भी वो कंप्लीट ऑब्जर्वेशन कर रहा हो। सो इट डिपेंड्स ऑन दी क्लॉक्स और दी स्पीड ऑफ पेंडुलम। अगर आपके हाथ में पेंडुलम है और मैं उसको बहुत जोर से ऐसे मूव कर रही हूँ, तो वो तो 1 सेकेंड में पता नहीं कितने ऑब्जर्वेशन कर देगा। सो देयरफॉर जितना वो वन ऑब्जर्वेशन में टाइम ले रहा है, दैट इज द टाइम पीरियड। ओके, सो नाउ दिस वॉज अबाउट पेंडुलम। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।